deviating from policy. Wait a second. एक बार जुड़ जाए सभी। आज मैं देखूंगा पीएमसी का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टॉर्क कैसे डिफ्लेक्ट होता है, यानी टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके एरर क्या होते हैं और क्या होता है रेंज एक्सटेंशन, इन चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से जुड़े। बार जुड़ जाएं सभी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार आज के टॉपिक को। क्या होगा आज हमारा टॉपिक? चलिए आज का टॉपिक मैं देखने वाला हूं टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन फॉर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट फॉर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। टॉर्क इक्वेशन फॉर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ओके, कि टॉर्क इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले आपने इंस्ट्रूमेंट में देखा पीएमसी कैसे वर्क करता है, कल हम उनकी चर्चा किया था हमने। ओके, नाउ अबाउट कि सर ये काम कैसे करता है, आइए इसमें टॉर्क इक्वेशंस कैसे होंगे अभी सब बारीकी से देख लेंगे। एक पोल है N, दूसरा पोल है S। नाउ आपको पता है इस पे स्प्रिंग था, है ना, यहां भी आपका स्प्रिंग था। ओके, इसी से पॉइंटर आपका अटैच था। ओके, अब यहां पे देखिएगा आपका जो टॉर्क इक्वेशन डेवलप करोगे, यानी ये जो मूव करेगा, पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपको निकालना पड़ेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सो इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ओके, सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखने के लिए आपको कंडक्टर के बारे में समझना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि सर इस पे जो कंडक्टर लपेटा हुआ था, सर इस पे कंडक्टर क्वाइल जो थे इसी एल्युमिनियम फॉर्मर पे लपेटा हुआ था, इसी एल्युमिनियम फॉर्मर पे लपेटा हुआ था, है ना, इसी एल्युमिनियम फॉर्मर पे लपेटा हुआ था। सर इसी से करंट गुजरेगा, सर इसी से करंट गुजरेगा आई। अब बताइए यही ना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सर यही कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब करंट जाएगा और यहां से फील्ड ऑलरेडी बाईपास हो रहा होगा फ्लक्स, तो ये कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स करेगा और जिसका डायरेक्शन टॉर्क का डायरेक्शन इस तरीके से होता है। सो ये जो टीडी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है इस करंट के कारण, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा ये किन किन पैरामीटर पर निर्भर करता है। सर आपको ये चीज ध्यान रखना है सर कि ये कंडक्टर के लेंथ पर, ये यहां से यहां कंडक्टर के इसको बोल दीजिए एप लेंथ एल, है ना, और इसको बोल दीजिए विड्थ टोटल, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक को टोटल क्या बोलेंगे डब्ल्यू, इस क्या बोलेंगे विड्थ, विड्थ क्या है उसकी चौड़ाई टोटल,
W. So, ये ध्यान रखने, तो कोई कहेगा सर इतने वाला सेक्शन को क्या बोलेंगे सर, इतने वाले सेक्शन को हम बोलेंगे सर W बटा 2, क्योंकि आधा सेक्शन है क्या है सर जी, आधा है. सो इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग इसने जो एक्सपीरियंस किया था, जो इसने वैल्यू दिया था आपका, क्या ध्यान समझेगा, एन बी आई एल क्या दिया है फोर्स के लिए सर, एन बी आई एल जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है आपका टॉर्क, वो किस पे डिपेंड करता है. गुड मॉर्निंग आदित्य तिवारी, सॉरी सर फॉर लेट. ओके कोई नहीं, मैं खुद ही लेट हो गया था. गुड मॉर्निंग. सो आज के लेक्चर में यही देखने वाला हूं कि इसके लिए क्या हम बात करेंगे. सो सर यहाँ पे जो आपका फोर्स है, बार बार कॉल आ रहा है, चलो कोई नहीं. नाउ सर यहाँ पे जो फोर्स है वो इन पैरामीटर पे निर्भर करता है, किसी कंडक्टर पे कितना फोर्स डेवलप हो रहा है इस पे, पहले फोर्स कितना डेवलप हो रहा है फोर्स, ये डिपेंड करता है सर एन बी आई एल, जहां एन क्या है सर, नंबर ऑफ टर्न्स. सर बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी. सर फ्लक्स की डेंसिटी है. नेक्स्ट सर आई क्या है, करेंट. एल क्या है सर, लेंथ ऑफ कंडक्टर. सर लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना. अब समझिए सर, ये लेंथ का कंडक्टर, क्योंकि यही कंडक्टर क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. सो कंडक्टर की लेंथ कितनी है, उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड है, डेंसिटी है, उसमें कितना करंट जा रहा है, और उसमें टर्नों की संख्या कितनी है, एक टर्न है या 25 टर्न है, इस पे निर्भर करता है. सो बताइए, जब इस हिस्से की बात करूं, इससे इधर वाले हिस्से की बात करोगे आप और इससे इधर, तो इधर तो फोर्स इधर मूव कर रहा है, तो लेंथ इस कंडक्टर के लिए लेंथ तो इतना ही हो गया ना, यही आगे मूव करेगा. सो लेंथ क्या हुआ सर इसके लिए, W by 2. ये ध्यान, लेंथ ये वाला तो लेंथ L है, ये वाला जो विड्थ है यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बोलते हैं ना, जैसे कि कोई कहेगा टॉर्क निकालिए, तो कहेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर कितना, तो यहां के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो L होता है, समझिएगा टॉर्क का इक्वेशन. पहले जो टॉर्क के बारे में समझिए, टॉर्क के लिए बोलता है सर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो इसका मतलब होता है कि कितना फोर्स इस कंडक्टर पे यहां पे लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, और यहां से सेंटर तक की दूरी कितनी है, ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये अब देखिए, इसके लिए अगर इसको अप्लाई करूं टॉर्क के लिए, तो सर टॉर्क के बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू ये लेंथ कितना सर, ये वाला, ये जो घूमेगा जिस पॉइंट से ये घूमेगा, तो ये सर W by 2 है. क्या है सर ये W by 2, तो ये ध्यान रखना आपको, क्या है सर ये W by 2, क्लॉकवाइज, बिल्कुल क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, सपोज दैट. तो यहां पे क्या होगा W by 2, फिर यहां भी तो टॉर्क डेवलप होगा सर, यहां भी क्या होगा, कितने कंडक्टर की संख्या है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, है ना, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या फ्लक्स की डेंसिटी है वहां पर, कितने करंट उसमें जा रहे हैं, और क्या इसकी लंबाई, लंबाई तो सेम होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे टॉर्क इधर की ओर आ रहा होगा, वहां उधर की ओर धकेला होगा. सो टोटल टॉर्क कितना होगा, इस चीज की चर्चा हो जानी चाहिए. सो सबसे पहले टॉर्क की इक्वेशन अभी हम नहीं जान रहे, पहले अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग कहता है कि कोई कंडक्टर जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो होता है एन बी आई एल. ये 12th के फिजिक्स से हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना, एन बी आई एल. ओके सो एन बी आई एल अब ये है. अब कहेंगे सर टॉर्क निकालना है, इस कंडक्टर में टॉर्क का इक्वेशन निकालना है, तो सर टॉर्क क्या होता है, F into L. अब हम बात करेंगे टॉर्क के रिगार्डिंग, और यहां पे L क्या है, ये वाला L हो गया, समझिए, ये तो कंडक्टर की लेंथ हो गई, लेकिन ये तो दूरी इसकी यही है ना, ये वाली दूरी. नो सर आइए यहां पे समझिए, वेट अ सेकेंड.
नौ सर, फोर टॉर्क। तो अपन जानते हैं सर टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्या से होता है डिस्टेंस, ऐसे समझिए, एल वगैरह से कंफ्यूज ना होना है। सो सर फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जहां से ये घूमेगा ये वाला डिस्टेंस है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये तो कंडक्टर का लेंथ हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस से दिमाग में रखिए, अगर ज्यादा कंफ्यूज हो कोई तो डिस्टेंस से दिमाग में रखिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस ऐसे दिमाग में रखा करिए, है ना, ये वाला फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये वाला कहां से घुमाया गया, कितना फोर्स किस पॉइंट पे लगाया जा रहा है, और ये घूमने वाला पार्ट है ना, ये घूमेगा ये ऐसे है और इससे फोर्स लगाया जा रहा है, तो टॉर्क हो गया वहां पे। नौ सर यहां मैं बात करूं फोर्स क्या है सर, एन बी आई एल इंटू डिस्टेंस में क्या है सर, डब्ल्यू बाय टू, है ना, डब्ल्यू बाय टू। अब देखिए टॉर्क, टॉर्क फॉर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड टॉर्क फॉर लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे, टॉ एल, टॉर्क फॉर राइट साइड, टॉर्क फॉर राइट साइड क्या बोलेंगे, टॉर राइट। सो टोटल टॉर्क कितना होगा सर डेवलप उस इंस्ट्रूमेंट पर, टॉर्क लेफ्ट साइड प्लस टॉर्क राइट साइड, टॉर्क लेफ्ट साइड प्लस टॉर्क राइट साइड, ओके। नाउ यहां समझिएगा सर, यहां पे ये कंडक्टर एक लेफ्ट साइड में तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस किया इस डब्ल्यू बाई टू के कारण, और उतना ही तो एक्सपीरियंस यहां भी करेगा, यहां भी क्या है डब्ल्यू बाई टू है सर, है ना, एल है सर टर्नों की संख्या है, तो ये भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सो इस इंस्ट्रूमेंट में टोटल टॉर्क कितना मिल रहा है, टोटल अगर बात करूं सर, टोटल अगर बात करूं, सो टोटल सर टॉर्क जो होता है, टोटल टॉर्क होगा एल लेफ्ट, टॉर्क लेफ्ट प्लस टॉर्क राइट, टॉर्क लेफ्ट प्लस टॉर्क राइट। अब समझिए सर टोटल टॉर्क की अगर मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट टॉर्क में कितना होगा सर, एन बी आई एल, एन बी आई एल इंटू डब्ल्यू बाई टू, प्लस सर राइट साइड का टॉर्क में क्या होगा सर, एन बी आई एल इंटू डब्ल्यू बाई टू, है ना। अगर दोनों को जोड़ दें सर, एस एस सी एम टी एस में भी काम आएगा क्या, ये नहीं, ये एम टी एस का कहाँ है, नहीं है ना, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, जेई का है ना। सो अगर दोनों जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा सर, हाफ हाफ जोड़ के वन हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, देखिए एन बी आई एल इंटू ये डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू बाई टू मिलकर क्या देगा, डब्ल्यू दे देगा, गुना में दे दिया ये, है ना। अब समझिएगा ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में आ गया, अब समझिए ये क्या देगा मल्टी, अब बताइए ये डब्ल्यू यहां से यहां डब्ल्यू है ना, और ये लेंथ है, तो लेंथ एल, लेंथ क्या है यहां से यहां का सर एल, और पूरा है डब्ल्यू, तो ये क्या दे देगा, एक एरिया नहीं दे देगा, देखिए ये है आपका एल, ये है डब्ल्यू पूरा, सो ये पूरा एक एरिया देगा कि नहीं, एरिया ए हो गया कि नहीं, ये इसका एरिया ए हो गया, ये इसका एरिया क्या हो गया, ए हो गया। नौ नौ सर ये दोनों मिलकर क्या दे रहा है, एन बी आई इंटू ए, एन बी आई इंटू ए। सो इसी को बढ़िया से अगर लिखोगे ना, तो डेवलप्ड टॉर्क जो होता है वो, उसको लिए याद करने का सिंपल तरीका होता है बी आई एन ए, क्या कर लो बी आई एन ए, बिना तो फटाक से याद हो जाएगा, बिना तो तुरंत याद हो जाएगा। सो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन आ गया आपको पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का, बिना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन आ गया पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का। यस सर बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉस नहीं है ये क्रॉस, ये तो गुना है, यहां गुना दिखा रहा हूं, और यहां डब्ल्यू बाई टू और डब्ल्यू बाई टू दोनों जुड़ के क्या हो गया डब्ल्यू, है ना, ये क्रॉस है गुना है, तो एल इंटू ए दे दिया एरिया, है ना, एरिया बराबर क्या हो जाएगा जी, यहां पे लेंथ इंटू विड्थ, वो क्या दे रहा है एरिया। बोलिए क्लियर है चीजें,
तो ये टॉर्क इक्वेशन हुआ। कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट टॉर्क का इक्वेशन पूछता है, तो याद रखिएगा बिना टॉर्क इक्वेशन कौन सा है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अभी इंस्ट्रूमेंट का कौन सा टॉर्क निकला है सर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी ये जो अभी पहला टॉर्क डेवलप हुआ ये वाला टॉर्क निकला है ना। फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो टॉर्क कितना उस लेंथ से गुना कर दिया हमने, बस ये किया। कई बार एग्जाम में ये पूछता है फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, एन बी आई एल, ये भी ध्यान रखना, एन बी आई एल ये भी ध्यान रखना। नाउ सर अभी तो आपने एक निकाला, टॉर्क का पूरा इक्वेशन बताइए ना कैसे कैसे क्या होगा। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा आ चुका है बी आई एन ए, बिना एक इक्वेशन हमने लिख दिया। नाउ इंस्ट्रूमेंट एक टाइम होता है जहां पे इंस्ट्रूमेंट जाके कहीं पे रुक गया, सपोज दैट इंस्ट्रूमेंट जाके कहीं पे रुक गया, तो यहां पर अगर इंस्ट्रूमेंट रुक रहा है इसका मतलब कोई ना कोई अपोजिट टॉर्क यहां पे लगा होगा, जिसको बोलते हैं टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा है। तो एक टाइम जाके एट इक्विलिब्रियम जहां पे पॉइंटर रुक रहा है, इसका मतलब हम मानते हैं सर इक्विलिब्रियम में होगा वहां पे, तो एट इक्विलिब्रियम हम क्या कहेंगे सर, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करें, सबसे पहले सर हम इस टॉर्क की बात करें। नाउ फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क की अगर मैं बात करूं सर, तो TC बराबर होता है KC इंटू थीटा, TC बराबर होता है KC इंटू थीटा, TC बराबर होता है KC इंटू थीटा। TC इज इक्वल टू होता है KC इंटू थीटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग रोशनी। नाउ सर अगर TC ये होता है तो दो इक्वेशन आ गए, तो अब कहूंगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम और बैलेंस, बैलेंस से बेहतर है इक्विलिब्रियम, आपको पता होना चाहिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर हो चुका होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क के, तभी नहीं रुका होगा। एट इक्विलिब्रियम मतलब कि कोई पॉइंटर आपको किसी फिक्स पॉइंट पे जाके रुक गया है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया। टीडी उतना ही होगा जितना टीसी होगा, टीडी उतना ही होगा जितना टीसी होगा। अब यहां से आगे बढ़िए, टीडी का नाम फॉर्मूला हमने बी आई एन ए देखा, बिना निकाला हमने, और टीसी सर अभी आपने क्या देखा सर, के सी इंटू थीटा। नाउ अब इसमें कॉन्स्टेंट कौन कौन पैरामीटर्स है सर, कॉन्स्टेंट देखो फ्लक्स डेंसिटी कॉन्स्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल एक बार जो डिजाइन हो गया पोल वैसे ही बनेगा वो, टीसी इज कंट्रोलिंग टॉर्क बिल्कुल। नाउ सर करंट क्या है, वेरिएबल है, करंट क्या है, करंट तो इंस्ट्रूमेंट में कभी कम कभी ज्यादा दे सकते हैं, सो ये वेरिएबल है। टर्नों की संख्या क्या है सर, कॉन्स्टेंट है। एरिया क्या है सर, उसका कॉन्स्टेंट है। केसी क्या है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन करंट के अकॉर्डिंग वो कितना आगे बढ़ेगा, थीटा तो फिर वेरिएबल है, थीटा क्या है सर, वेरिएबल है। सो कॉन्स्टेंट कौन कौन सा है सर, बी एन ए के सी कॉन्स्टेंट है, ये क्या है जी, कॉन्स्टेंट है, ये क्या है सर, कॉन्स्टेंट है। नाउ नाउ अगर ये कॉन्स्टेंट है तो क्या इक्वेशन दिखा आपको, कि यहां पे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यहां पे आपको दिख रहा है, यानी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये इक्वेशन थर्ड ले लो, ये इक्वेशन थर्ड ले लो, ये इक्वेशन सेकेंड यहां होगा, थर्ड ले लो। सो ये क्या कहता है कि जितना इंस्ट्रूमेंट में करंट जितना बढ़ेगा उतना ही एंगल बढ़ेगा, इसका मतलब यहां से समझिएगा, इस इंस्ट्रूमेंट में करंट का मैग्नीट्यूड जितना आप बढ़ाओगे, इस इंस्ट्रूमेंट में करंट का मैग्नीट्यूड सर जितना आप बढ़ाओगे ये टॉर्क उतना ही बढ़ेगा, पहले अपनी न्यूट्रल अवस्था से इस अवस्था से उतना ही ज्यादा एंगल बढ़ाते जाएगा, और करंट बढ़ाओगे ये और आगे जाएगा, और करंट बढ़ाओगे और आगे जाएगा, और करंट बढ़ाओगे और आगे जाएगा। सो ये कैसा स्केल दिया पीएमसी, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लीनियर स्केल, लीनियर स्केल कैसा इंडिकेट कर रहा है सर, लीनियर स्केल। सो
पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का सबसे बड़ा खासियत है कि यह इसका स्केल लिनियरिटी रिप्रेजेंट करता है। इसका स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है सर? लिनियरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना? क्लियर है। सो यह हमारा क्या हुआ, सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का कि टीडी इज इक्वल टू टीसी करके यहां पे थीटा आपका। तो अब ये लीनियर क्या होता है जी, लीनियर को भी समझ लीजिए। जीरो वन टू थ्री फोर, ये स्केल लीनियर देता है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए यहां से यहां का गैप भी उतना ही है, यहां का गैप भी उतना ही है, यहां का गैप भी इतना ही है। इसका मतलब ये भी, यहां भी गैप इतना ही है। इसका मतलब है सब गैप यूनिफॉर्म है, सब गैप यूनिफॉर्म। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केल, यूनिफॉर्म स्केल। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केल, सब गैप बराबर है। मतलब कम करंट देंगे तो कम डिफ्लेक्ट होगा, ज्यादा देंगे तो ज्यादा, समानुपाती में चलेगा। सो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्केल। क्या बोलते हैं जी? यूनिफॉर्म स्केल। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की टॉर्क इक्वेशन क्या होता है, कैसे इस चीज को देखते हैं। नाउ इस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के सबसे बड़े एडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज क्या होता है? सर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्केल इज लीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, इसमें एरर कम से कम शो होता है अगर स्केल लीनियर होगा तो। दूसरा, इट कंज्यूम लेस पावर। तीसरा है टॉर्क बाय वेट रेशियो हाई। इसका टॉर्क बाय वेट रेशियो क्या होता है? हाई होता है। इसका मतलब टॉ बाय डब्ल्यू ये हमेशा हाई रहता है। टॉर्क बाय वेट रेशियो हाई होने का क्या मतलब होता है? बिल्कुल नो एजिंग इफेक्ट, बिल्कुल ये भी एडवांटेज है। टॉर्क बाय वेट रेशियो हाई होने का मतलब होता है कि इसमें टॉर्क ऑब्वियसली ज्यादा होगा और वेट क्या होगा इंस्ट्रूमेंट का, कम होगा, तो फ्रिक्शनल लॉस कम से कम हो पाएगा। स्मूथली घूमेगा, स्मूथली क्या करेगा, मूव करेगा। तो यही होता है टॉर्क बाय वेट रेशियो। कई बार एग्जाम में पूछता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क बाय वेट रेशियो क्या होता है, हाई होता है। मतलब टॉर्क ज्यादा होता है, वेट कम होता है इंस्ट्रूमेंट का। एल्युमिनियम फॉर्मर का इस्तेमाल भी करते हैं। नेक्स्ट इसमें है नो एजिंग इफेक्ट, एज का कोई असर नहीं पड़ता। मतलब कि नो एजिंग इफेक्ट कहां होता है? इसमें एजिंग इफेक्ट तो होता है ना, इसमें तो एजिंग इफेक्ट होता है, ये किसने बोल दिया? टॉर्क बाय हाई, ठीक है, नो एजिंग इफेक्ट ऐसा नहीं होता है, इसमें एज का इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग तो लूज होगा ना एक टाइम में। ओके, सो टॉर्क बाय वेट रेशियो इज हाई। इसकी और एक एडवांटेज है मोर एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी होती है, एक्यूरेसी इसमें बहुत ज्यादा होता है। एक्यूरेसी इसकी क्या होती है, यानी एरर कम से कम ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपको देखने को मिलता है ना। नाउ अबाउट डिसएडवांटेज, अब इसके ड्रॉबैक क्या है? वेट विल ऑलवेज लेस देन टॉर्क। ओके, यस, एक से बड़ा होगा, बिल्कुल है ना। टॉर्क बाय वेट रेशियो क्या होगा, ज्यादा होता है। नाउ सर अब मैं बात करूं यहां पे
कि सर एडवांटेज की अगर बात, डिसएडवांटेज इट मेजर ओनली डीसी वैल्यू, या किस वैल्यू को मापता है जी, सिर्फ और सिर्फ डीसी को मापता है, ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है इसका, है ना। और दूसरा एजिंग इफेक्ट, एज का असर होता है किसके कारण, ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग स्प्रिंग में क्या होता है, लॉन्ग टर्म के, ड्यू टू स्प्रिंग लॉन्ग टर्म के बाद उसमें क्या होता है, एज का असर पड़ता है, इसीलिए एजिंग इफेक्ट इस पे पड़ता है। सो दिस इज एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, डीसी ओनली वर्क, बिल्कुल जी बिल्कुल, ओनली वर्क ऑन डीसी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। नाउ अगर आपसे बोलता है एरर इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एरर क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। एक होता है जैसे फ्रिक्शनल लॉस, तो फ्रिक्शनल लॉस इसमें कम से कम होते हैं, क्यों सर, क्योंकि टॉर्क ज्यादा होता है, वेट कम होते हैं, तो टॉर्क बाय वेट रेशियो का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए फ्रिक्शनल लॉस कम से कम होता है। यहाँ पे डीसी सप्लाई होने के कारण हिस्टेरेसिस लॉस एकदम नहीं के बराबर होता है, डीसी सप्लाई होने के कारण चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो हिस्टेरेसिस लॉस जीरो के इक्विवेलेंट होता है। नाउ अनदर थॉट्स अगर बोला जाए तो सर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ इसका एरर के बारे में, सर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो है ये एरर जो है हर तरीके से आप कह सकते हो कम से कम आपको शो करता है, ठीक है। नाउ चलिए ये तो था इसके एरर के रिगार्डिंग, अब एरर के लिए, एरर से बचने के लिए एक बार और आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है कि किस टाइप का रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, ध्यान समझिएगा, एरर से बचने के लिए किस टाइप का रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, तो स्वैंपिंग रेजिस्टेंस का, स्वैंपिंग रेजिस्टेंस, ये कई बार पूछता है एग्जाम में, एरर से बचने के लिए किस टाइप का रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में, तो हम बोलेंगे स्वैंपिंग रेजिस्टेंस का। एक रोशनी ने बोली कॉस्टली होता है, बिल्कुल ये इंस्ट्रूमेंट कॉस्टली भी होता है, महंगा पड़ता है थोड़ा सा, कॉस्टली होता है इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट। नाउ स्वैंपिंग रेजिस्टेंस किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉपर प्लस मैंगनीन का, मैंगनीन का, ये भी ध्यान रहे, कॉपर प्लस मैंगनीन का कॉम्बिनेशन होता है स्वैंपिंग रेजिस्टेंस, कॉपर प्लस मैंगनीन का कॉम्बिनेशन होता है स्वैंपिंग रेजिस्टेंस। आप कहोगे सर स्वैंपिंग रेजिस्टेंस का उपयोग क्यों किया जाता है, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर के असर से बचने के लिए स्वैंपिंग रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, टेम्परेचर यानी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा कम बढ़ा तो उससे प्रतिरोध बढ़ता है किसी कंडक्टर का, बढ़ता है घटता है, लेकिन स्वैंपिंग रेजिस्टेंस अगर यूज करेंगे, स्वैंपिंग रेजिस्टेंस, तो ऐसे कंडीशन में ताप के बढ़ने घटने से इसके रेजिस्टेंस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि बनता है कॉपर और मैंगनीन का, कई बार एग्जाम में ये बड़ा फ्रिक्वेंट पूछ लेता है, इस चीज का ध्यान रखना है, स्वैंपिंग रेजिस्टेंस, बिल्कुल जी स्वैंपिंग रेजिस्टेंस, है ना, स्वैंपिंग रेजिस्टेंस नोट डाउन करेंगे, स्वैंपिंग रेजिस्टेंस किस लिए उपयोग में लाते हैं, टेम्परेचर एरर से बचने के लिए, ये किस चीज का बना होता है सर, ये कॉपर प्लस मैंगनीन का बना होता है, इसका एप्लीकेशन किसके अंदर करते हैं, पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट के अंदर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। नाउ सर हमको देखना पड़ेगा रेंज एक्सटेंशन क्या होता है, पीएमएमसी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका रेंज एक्सटेंशन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का ही, ठीक है ना, रेंज एक्सटेंशन आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का ही। सो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, नो कन्फ्यूजन, अनिल गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, फिर आप लोग को एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं, उसको सॉल्व करेंगे आप सभी। वेट अ सेकेंड, ओके। क्वेश्चन है, अनदर क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कह रहा है ए मूविंग क्वाइल ऑफ ए मीटर, क्वेश्चन कह रहा है ए मूविंग क्वाइल ऑफ ए मीटर, ए मीटर हैज 100 टन्स, 100 टन्स एंड इट्स लेंथ एंड डेप्थ एंड एंड इट्स लेंथ एंड डेप्थ, इट्स लेंथ एंड डेप्थ ऑफ 10 mm क्रॉस 200 mm, लेंथ दिया हुआ है और आपका डेप्थ दिया हुआ है 10 and 200 रेस्पेक्टिवली, ओके। इट इज पोजिशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज पोजिशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 200 mT, 200 mT, द क्वाइल कैरी अ करेंट एंड एंड द क्वाइल कैरीज अ करेंट, द क्वाइल कैरी अ करेंट ऑफ 50 मिली एम्पियर, 50 mA, द टॉर्क विल बी, टॉर्क क्या होगा, सॉल्व इट एक क्वेश्चन है। सर आप मस्त पढ़ाते हैं, थैंक यू रोशनी, मुझे लगता तुम तो हर सेशन में जुड़ी रहती हो। ओके नाउ बताएंगे बताएंगे क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स आंसर। इसके ऑप्शन भी मैं दे सकता हूं, ऑप्शन है, कई ऑप्शन हैं इनके। ऑप्शन ए 200 mT, ऑप्शन बी 2 mN, यहाँ पे न्यूटन मीटर, ओके मिलीमीटर, थर्ड 20 mN एंड फोर्थ वन नन नन, ये ऑप्शन भी आपके साथ। ओके ओके वेट कर रहा हूं मैं, प्लीज सॉल्व इट। आप लोग गलती कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग गलती करते हो सिर्फ यूनिट में,
mm को कितने में बदलना है, क्या करना है, यहाँ पे गलतियां करते हो, तो प्लीज केयरफुली इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, प्लीज केयरफुली इसको सॉल्व करेंगे। टू हंड्रेड मिली न्यूटन मीटर रोशनी का जवाब था, फिर हटा दी। आदित्य क्यों ऐसे कर रहे हो, हाँ क्यों नहीं आ रहा, कैलकुलेशन में एरर है, क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आंसर आ रहा। सॉल्व करूंगा, आपको पता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है बी आई एन ए सीधा फॉर्मूला लगता है, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगेगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो बी कितना है, फ्लक्स डेंसिटी कितना दिया हुआ, 200 मिली टेस्ला, 200 × 10⁻ मिली है तो माइनस 3 कर देता हूं, टेस्ला में बदल गया। सर करंट कितना दिया हुआ है, करंट सर 50 मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो करिए इसको, मिली मतलब 10⁻³, 10⁻³। सर अब एन टर्नों की संख्या कितना दिया हुआ है, सर 100 टर्न दिया हुआ है, टर्नों की संख्या कितना दिया हुआ सर 100 टन दिया हुआ है। सर एरिया कितना है, सर एरिया में बड़ा कंफ्यूजन है, ये रहा सर एरिया, आपको पता है एरिया क्या होता है सर, एल इंटू बी लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे ही करके ले लो, है ना, ये सर 10 है एक, अगर मान लो 10 है अगर तो गुना 10⁻³ तब ना मीटर में बदलेगा, सब मीटर में बदल रहे हैं, ये मिली में है तो इसको मीटर में बदलेंगे, है ना, 10⁻³ इंटू सर ये 200 है तो 200 को भी मिली में बदलेंगे 10⁻³, सो 2000 ये तो ये रह गया इसका वाला, और 10⁻⁶ आ गया, ये किस में आ जाएगा सर मीटर में, किस में आ जाएगा मीटर में, मिलीमीटर से मीटर में आ गया, सो इसको कितना कर दूं सर 2000 × 10⁻⁶, इसको आप सॉल्व करिए, सब क्या देगा जी मीटर के अंदर वैल्यू देगा, सब सॉल्व करिए। सॉल्व करिए एक बार, गुना करिए कितना वैल्यू दे रहा है, 200 आएगा सर, ऑप्शन ए आएगा, रोशनी 2 मिली न्यूटन मीटर आएगा, सॉल्व करके देखिए इसका जो भी वैल्यू दे रहा है वही आपका आंसर होगा। कैलकुलेट करिए, इसका 3 जीरो इसके 2 जीरो से और 1 जीरो से कट जाएगा, ये देखिए 3 जीरो 3 जीरो 1 6 जीरो हो गए, वो इनसे कट जाएगा, है ना, कटा। नेक्स्ट सर इसका 3 जीरो में से 2 तो कट गया, 1 कटने लायक अब है नहीं, सो अगर मैं बोलूं सर इसको पावर 1 यहां पे कितना कर दूं सर 3 3 6, ये वाला 1 रहने देता हूं, 1 ये वाला रहने देता हूं, तब देखिए कितना है, 2 × 5 × 10 10 और गुना दिए तो 2000 तो ऐसे ही हो गया,
200 इंटू दिस वैल्यू 2000 इंटू सर 10 टू पावर कितना हो गया -6, 10 टू पावर -3 यहाँ भी है, 10 टू पावर -3 यहाँ भी है। सो बताइए यहाँ एक चीज और आपको करने को मिल जाएगा सर, एक चीज और करने को मिल जाएगा मौका, 10 टू पावर -3 गुना 10 टू पावर -3। सर एक तीन इधर से काटेंगे तो ये इधर से कट जाएगा 3 जीरो से, सो क्या बच गया सर 2 मिली न्यूटन मीटर, 2 मिली न्यूटन मीटर इज योर आंसर, 2 मिली न्यूटन मीटर इज योर आंसर, सो बी इज योर राइट आंसर। कैलकुलेशन में बस गलतियां करते हो तुम लोग, कैलकुलेशन मुझे पता है कि ये मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सब गलतियाँ करते हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेसिक का कन्फ्यूजन होता है और कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ओके नाउ 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 अब यहाँ पे बात होगी आपका रेंज एक्सटेंशन की। किसकी सर? रेंज एक्सटेंशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होते हैं रेंज एक्सटेंशन, इसके बारे में पहले समझते हैं फिर हम रेंज एक्सटेंशन करेंगे। ओके नाउ रेंज एक्सटेंशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, रेंज एक्सटेंशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, रेंज एक्सटेंशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। समझते हैं पहले कि रेंज एक्सटेंशन क्या होता है फिर हम कुछ करेंगे। ओके देखिए क्या है, रेंज एक्सटेंशन यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ध्यान समझिएगा, यहां पे कोई सोर्स होगा, कोई वीएस सोर्स होगा, ये कनेक्ट है। सपोज दैट यहां पे आर रेजिस्टेंस है, अभी तक मैक्सिमम कैपेसिटी इसमें 10 एम्पियर की है, 10 एम्पियर अगर इससे गुजर रहा होगा, कितना 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर अगर गुजर रहा होगा सर तो 10 एम्पियर तक के अमीटर तो इसको बर्दाश्त करेगा और मेजर कर देगा। लेकिन कोई कहेगा कि अगर हमने वीएस को बढ़ा दिया, वीएस को बढ़ा दिया हमने जो था उससे बहुत ज़्यादा वोल्टेज कर दिया तो करंट सर्किट में बहुत फ्लो होने लगेगा। अगर करंट सर्किट में बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगेगा तो क्या एमीटर उस वैल्यू को रीड कर पाएगा? अगर 10 एम्पियर तक की रेंज का हमारे पास एमीटर होगा तो नहीं कर पाएगा सर। तो क्या कर पाएंगे सर? ऐसे कंडीशन में रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, उसी एमीटर से हम उस वैल्यू को मापने की कोशिश करेंगे, सो उसको बोलते हैं रेंज एक्सटेंशन। उसके लिए कुछ छेड़छाड़ करना पड़ता है उस इंस्ट्रूमेंट से। सो रेंज एक्सटेंशन किसको कहते हैं आइए देखते हैं। कहता है ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपने पहले एक एमीटर लगाया, एमीटर लगाया, ओके एमीटर लगाया, यहां पे आर है यहां पे वीएस। सो एक लिमिटर इसकी रेंज है मान लो 0 से 10 एम्पियर तक की, इसकी कितनी रेंज है सर 0 से 10 एम्पियर तक की। तो अगर यहां पे मान लो 100 वोल्ट का सप्लाई है, 100 वोल्ट का सप्लाई है और रेजिस्टेंस है 20 ओम, रेजिस्टेंस होगा 20 ओम, सो 20 बटा 100 करते हो तो क्या हो जाएगा 5 एम्पियर। सो इजिली रीड, ये क्या करेगा करंट को आसानी से रीड कर लेगा, ये क्या करेगा सर करंट को आसानी से रीड कर लेगा। लेकिन कहीं ऐसा भी ऑप्शन आपको दिख जाए कि सर जो वीएस सोर्स है वो अब 1000 वोल्ट का है, वीएस सोर्स जो है वो अब 1000 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस आपका 20 ओम का है,
तब जाके आपको एमिटर वही यूज अगर करना पड़ गया, तब जाके अगर एमिटर वही यूज करना पड़ गया जिसका रेंज कितना था 0 से 10 एम्पेयर का, तो ये रीडिंग तो डायरेक्ट तो देगा ही नहीं, ये कभी डायरेक्ट रेंज रीडिंग नहीं दे सकता। सो कितना करंट इस परिपथ में फ्लो करेगा सर, अगर देखें तो 1000/20 बोले तो 50 एम्पेयर है ना, लेकिन 50 एम्पेयर का कैपेसिटी है इसका नहीं है। सो अगर इसकी कैपेसिटी यहां से 10 एम्पेयर गुजारने की थी, इसकी एमपी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 एम्पेयर की थी, तो ये इतना रीड नहीं कर पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप? ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? सो बोलता है जब भी रेंज एक्सटेंस करना होगा, यहां पे रेंज एक्सटेंशन, अगर आपको रेंज को बढ़ाना होगा तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे सर, रेंज जैसे आप बढ़ाओगे तो आपको एक अलग से एडिशनल रेजिस्टेंस संट में जोड़ना पड़ता है, एक संट रेजिस्टेंस, ताकि इससे अगर 10 ही एम्पियर करंट अगर गुजरा तो रिमेनिंग बाकी करंट इधर से गुजर जाए। इसी को बोला जाता है संट रेजिस्टेंस, इसी को बोला जाता है संट रेजिस्टेंस, कि अगर टोटल निकलेगा यहां से तो भाई साहब कितने 50 एम्पियर ही, लेकिन जो इमीटर में तो 10 ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब 10 से ज्यादा करंट यहां से गुजरना चाहिए। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है रेंज एक्सटेंशन के लिए आरएसएच का मान कितना होना चाहिए, बहुत कम, इससे भी, इसके मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस से भी कम, एकदम समझो एक शॉर्ट वायर की जैसा होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो कर पाए, ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो कर पाए, क्योंकि यहां से 40 एम्पियर गुजरना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में और यहां से 10 ही एम्पियर। चलिए ये आगे और रीडिंग होगी, फिलहाल तो मैं ऐसे ही कर दिया हूं 0, 5, 10, 20, सॉरी मैक्सिमम स्केल इसका कितना रखा है हमने 10, 0, 3, 5, 10 ऐसे कर देता हूं, यहां मैक्सिमम होना चाहिए इसका कितना जो भी रेंज है, चलो फिलहाल मैंने जो कर दिया ठीक है ना। आपको क्लियर पता है कि बाकी करंट को क्या करना पड़ेगा सर, बाईपास, यहां अगर आई है, यहां 10 चला गया तो I-10 इधर करना पड़ेगा करंट को, क्लियर? तो ये वे होते हैं, क्या होता है जब भी रेंज एक्सटेंशन आपको करना होता है उसी एमीटर का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एक शंट रेजिस्टेंस आपको ऐड करना पड़ता है। नाउ फॉर रेंज एक्सटेंशन एडिशनल शंट वायर यूज्ड, एडिशनल संट वायर यूज करते हैं, कौन सा संट वायर है जी, आर एस एच, इसी को बोलते हैं आर एस एच। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि एडिशनल संट वायर का यूज जो होता है वो करते हैं किसके लिए जी, रेंज एक्सटेंशन के लिए, या पूछता है रेंज एक्सटेंशन के लिए कहाँ पर रेजिस्टेंस एडिशनल लगाए जाते हैं, तो मीटर के पैरेलल में, मीटर के पैरेलल में, ये एमीटर के लिए होता है, वोल्ट मीटर में मीटर के सीरीज में लगता है, इसमें मोटर के पैरेलल में लगता है, इसमें क्या लगता है सर, मोटर के पैरेलल में लगता है। ठीक है जी, अब इसमें ये तो तरीका आपने देख लिया, लेकिन यहां पे इस तरीके से काम नहीं चलता, आपको रेंज एक्सटेंशन के प्रॉपर इक्वेशंस चाहिए। यहां तो आपने वैल्यू था तो फटाफट कर दिया, रेंज एक्सटेंशन के लिए आप जब देखोगे मीटर मल्टीप्लायर सेटिंग यूज करते हैं, 1+RM/RSH ऐसे करके इक्वेशन आता है ना, ये कहां से आता है, कैसे आता है रेंज एक्सटेंशन के लिए, तो वो इक्वेशन जो ड्राइव होता है, हम नेक्स्ट क्लास में इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, जहां पे M को बोला जाता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ये आया कहां से, किसके प्रोपोर्शन होते हैं, तो ये सारे वैल्यू RSH ये होता है, यहां पे देखिए ये जो RSH यूज किया हो ना, ये RSH वो ये वाला रेजिस्टेंस रहता है, RM होता है मीटर का अपना रेजिस्टेंस, क्योंकि मीटर का कुछ तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, कोई भी मीटर आइडियल तो हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, सो ये मीटर का रेजिस्टेंस RM होता है, M मल्टीप्लायर होता है, तो इस तरीके से वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलता है एग्जाम में और आप आसानी से कर देते हैं, ठीक है ना। सो आपको देखना पड़ेगा रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टीमीटर, सो रेंज एक्सटेंशन
ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में रेंज एक्सटेंशन क्या होता है हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। टाइमिंग क्या रहता है क्लास का? सर 8:30 AM से सर 9:30 AM। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी को लेके, रेंज एक्सटेंशन को लेके। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, बाय बाय।